हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो कैसे हो भाई सब लोग? हम लोग तो बहुत बढ़िया है और गाड़ी में बैठ चुके हैं। कहाँ जा रहे हैं भाई आज? हाँ, जा रहे हैं शॉपिंग करने और डोसा खाने। नहीं, गलत हो गया। बस कोई बात कह रहे गलत हो गया मेरे से। अरे कोई बात नहीं, क्योंकि मैं इनको ऐसे इसलिए देख रही थी क्योंकि आज हम वैसे शॉपिंग हम जाएंगे लेकिन बहुत क्विक वाली पे जाएंगे। हाँ। क्योंकि मैंने अभी तक अपना ब्लॉग एडिट नहीं करा है, लेकिन मैं इनको एक मेन जगह पे लेके जा रही हूँ जो मैं इनको सुबह बता चुकी हूँ। बंदा भूल कह सकता है, बताओ कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं छोले भटूरे खाने गाइस, दिल्ली। पतले होने जिम जा रहे हैं। मतलब मैं इनको भी जिम दिखाई थी, मैं जिम पीछे गई। बंदा सोच रहा होगा जिम दिखाई जा रही है मेरे को, आए हुए दो हफ्ते होने लगे, एक बार ये लड़की जिम नहीं गई। सीरियसली गाइस, मैं जिम नहीं पहुंच पा रही हूँ और उसका एक बहुत बड़ा जो रीजन है वो यही है कि आपके भैया यहाँ नहीं है। तो भैया आ जाएंगे फिर जाएंगे। एनीवे गाइस, वैसे बहुत ही बेकार रीजन है, ऐसा कोई बात नहीं। जाने को मैं जा सकती हूँ लेकिन नहीं, मैं जा नहीं रही हूँ, पर मैं जाऊंगी, बहुत जल्द जाऊंगी। हाउएवर, मैं मम्मी को लेके जा रही हूँ आज दिल्ली वाले छोले भटूरे खिलाने। एंड सीरियसली, खैर वो खाने के बाद ही पता लगेगा। मैं तो देखो हर चीज की तारीफ ही करूंगी यहाँ पे, मैं तो इस देश की नागरिक हूँ। तो मैं मम्मी को लेके जा रही हूँ पप्पू डोसा। तो आपने मेरे ब्लॉग में बहुत बार पहले भी देखा होगा पप्पू डोसा, तो ऑब्वियसली मैं तो खाऊंगी नहीं देखो, लेकिन आपको जरूर खिलाऊंगी। तो चलते हैं। देखो उर्वशी को बहुत पसंद है वहाँ के छोले भटूरे, है ना उर्वशी? अगर तुम ये ब्लॉग देख रही हो तो मैं ठीक कह रही हूँ ना? तो उर्वशी ने अपनी प्रेगनेंसी में खाए, सोचो अगर, तो सोचो कितने स्वाद होंगे। ठीक है, तो मैंने कुछ ज्यादा हाइप क्रिएट कर दिया, चलो बंदे को पसंद ही नहीं आए। ठीक है चलते। और पता चला पप्पू के पास आज छोले भटूरे ही नहीं है। मैंने बहुत कुछ चीजें पहले से ही अज्यूम कर ली है, अच्छी बात नहीं है। लेट्स गो विद अ पॉजिटिव माइंड और खाते हैं छोले भटूरे। तो बस हम लोग पहुंच गए, हमारे पीछे पप्पू डोसा। तो चले फिर अंदर चले, एक्साइटेड हो? पता, मैंने इतनी हाइप क्रिएट कर दी है बंदे को, लग रहा है अंदर जाते ही बिल्कुल अपना दिल्ली वाला टेस्ट मिल जाना है। ठीक है अंदर चलते हैं फिर देखते हैं। मैं नहीं खाऊंगी, मैं वाले बता रही हूँ। ऐसे हो नहीं सकता, मैं अकेली बैठ खाऊंगी भाई। इस बंदे के साथ अगली बार नहीं आना आपने, मेरे साथ 3 बजे के बाद ही आना। हम पता है मेन्यू देख के मेरा दिल कर रहा मैं भी खा लूँ, लेकिन नहीं, कमिटमेंट इज कमिटमेंट, है ना? नहीं खाना है ना, सच से बताओ नहीं खाऊ ना, है ना? कमिटमेंट कर लेती, सौरभ आएगा फिर खाएंगे, है ना? चलो मम्मी को खिलाते हैं। मम्मी मुझे लालच दे रही, करी इडली लाइट होती है, खा लूँ इडली खा लूँ। वैसे 2 घंटे बाद तोड़नी थी इंटरमीडियट फास्ट, क्या बोलते हो? नहीं हम नहीं खाएंगे, हम कॉफी पियेंगे। भाई मम्मी ने मुझे मना ही लिया। क्या ऑर्डर करा है मेरे लिए? इडली। कहते हैं इडली वो होती है, सूजी की होती है ना? अच्छा, उसमें कोई फैट नहीं है, कुछ नहीं है, है उसे खाने से आपको कुछ नहीं होगा, बचे रहो गाइस। इडली में कोई किसी भी तरह की कोई कैलोरीज नहीं है, मम्मी का कहना है। मतलब कि आप कह रहे हो खा, कह रहे मैं अकेले नहीं खाऊंगी, सो आई कैन अंडरस्टैंड। इडली स्टीम में बनती है, इडली खाने से कुछ नहीं होगा। चलो छोले भटूरे खाने से होगा। मैं सौरभ देखेगा कि सच में यार पप्पू डोसा तो थी, विश्वास नहीं हो रहा कि मैं पप्पू डोसा आ गई। तो यहाँ पर आ चुकी है इडली सांबर। कैसा लग रहा है भाई? ऐसा लग रहा है ना आप इंडिया में बैठे हुए हो। नारियल की चटनी है, नारियल की चटनी और क्या है? टमाटर की चटनी। टमाटर की चटनी भाई, साथ में कोई पाउडर भी दिया ना उन्होंने, मतलब मिर्च मसाला होगा ना ये। मिर्च मसाला खाए फिर चम्मच चाहिए? मैं चम्मच लेती हूँ, ये लो खा के बताओ। हल्का सा स्पाइसी है। कैसा लगा? कैसे ये वाला अच्छा लगा, उस दिन वाला अच्छा लगा? उस दिन वाला अच्छा। मम्मी कह रही है कि उनको काल डोसा ज्यादा अच्छा लगा, बट मतलब बंदे सुन ना रहे हो पीछे, मेरा मुझे बैन कर देंगे यहाँ पे। बट हाँ इनकी ये थोड़े यू नो बहुत ही थोड़ा अलग टेस्ट है, उनका थोड़ा अलग टेस्ट है। बट अगर आप ब्रिस्टल में रहते हो तो ये वाली जो जगह है ना, इनका जो मेन्यू है ना वो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। काल डोसा इससे थोड़ा सा महंगा है, लेकिन हाँ फिर अच्छा है, अच्छा है, नॉट बैड। अगर आप स्टूडेंट्स हो यहाँ पर या फिर आप अकेले रहते हो एज ए कपल और कुकिंग आप रोज नहीं कर पा रहे हो, तो दिस इज अ गुड प्लेस टू कम। और यहाँ पे हर चीज मिलती है साउथ इंडियन मेन्यू से रिलेटेड। तो यहाँ आ चुके हैं गर्मा गर्म छोले भटूरे। एक्चुअली इट्स पूरी छोले गाइस, आज थोड़ा सा गर्म। यू यूज्ड टू डू भटूरे आल्सो ना? और इट्स द सेम, वी हैव एक्चुअली, इट्स एक्चुअली भटूरे नाउ बिकॉज़ वी पुट कर्ड इन। ऑलराइट,
Okay. So it's actually not puri, it's bhature only because you're putting curd in the dough now. Okay. And it's the same chane which you used to make it? Because it used to be a little bit black, you know, black in color. Yeah, I think maybe the recipe has changed slightly. Yeah. Like just they taste it and like improve it slightly. But yeah, it's like, yeah, it looks like to me the recipe is a little I bit think changed. Sometimes it's different. The tea that we use. Oh, right. Okay. Tea, so yeah. Sometimes it will make it more black. Okay. Right. Okay. No, no problem. Thank you. So, bhai, देखो आए तो देखो छोले भटूरे हैं, बंदी ने मैं कह दिया है कि वो आपको पूरी लग रही है लेकिन वो भटूरे हैं, उन्होंने योगर्ट डाला है डो में और मुझे ऐसा लग रहा है कि छोलों का कलर थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि जब हम खाते होते हैं ना वो एकदम काले काले नहीं होते, मतलब कि वाइट ही छोले होते हैं लेकिन छोले भटूरों के जैसे कलर नहीं होता वैसा। आई होप कि मम्मी को पसंद आए। हाँ मुझे लग रहा है कि उन्होंने कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी है अपनी। तो ये मैंने पहले भी अपने ब्लॉग्स में बताया है, तो ये एक स्कॉटिश बंदा है, ये उसकी दुकान है और वो और उसकी गर्लफ्रेंड इस प्लेस को चलाते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर एम्प्लॉयज़। तो या तो ये बहुत बड़ी बात है यार, एक अंग्रेज बंदा यू नो छोले भटूरे बेच रहा है इंग्लैंड में। वो आज टिमी है नहीं यहाँ पर, वरना मैं आपको टिमी से ज़रूर मिलवाती। बैठ सके। चलो कैसा लगा? ठीक ठीक है। खाना जरूर है। एक बात माननी पड़ेगी, मतलब कि बंदा खा छोले भटूरे रहा है, कह रहे हैं ऐसे टिश्यू पेपर में ऐसे निचोड़ लो, सूख गया। अब ये बिल्कुल हेल्दी हो गया, अब ये हेल्दी हो गया। राइट राइट। जो आपने मेरे से बात करा ना एक्स्ट्रा ऑयल, मैं लेके आई थी इनको खाना खिलाने में, इनके बैठ के कुछ भी खा रही हूँ। स्वाद ही इतना है, क्या करें। आजकल छोलों के साथ हुआ है कुछ ना कुछ गड़बड़, ये वो वाले छोले नहीं है जो हम हमेशा खाते हैं, बट कोई बात नहीं। नाइस, गुड, नॉट बैड, नॉर्मल। बंदे ने कह दिया नॉर्मल। और गाइस ये डेट बिल्कुल नॉर्मल है। अगर होटल अगर कुछ सुन रहे होंगे ना, वो मुझे आने नहीं देंगे वापस। मैंने बाइक खरीद ली है, मजाक कर रही हूँ, हमारी गाड़ी के साथ लगी हुई थी बाइक, अच्छी लग रही है भाई, हार्ले डेविडसन। अब हम आ गए हैं स्टारबक्स, तो ये हमारे घर के पास ही है जगह एक, तो यहाँ के स्टारबक्स में मुझे काफ़ी टाइम से आना था। तो विलेज होटल है, जो लोग यूके में रहते हैं उनको मालूम होगा विलेज होटल के बारे में। तो यहाँ पर स्टारबक्स है, तो आज हम आए हैं यहाँ पर कॉफ़ी पीने। ओए होए, देखो अब आने वाला ना हेलोवीन, तो यहाँ पे सारी चीज़ें वो पम्पकिन से रिलेटेड बिकनी शुरू हो जाएंगी। देखना केक, देखना ज़रा, लुक्स अमेजिंग। तो हम लोग अपनी लंच डेट फिनिश करके आ चुके हैं स्टारबक्स। मैं पी रही हूँ ब्लैक कॉफ़ी, मम्मी पी रही है कैपेचिनो। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा फोटो सेशन भी करा है मम्मी का। कैसा लग रहा है मौसम? अच्छा ना मौसम? तो मैं इनको रोज़ कहती हूँ आज ठंडा है, स्वेटर ले लेना, उसी दिन ठंड नहीं होती। जिम ज्वाइन करा दें ये वाली? वो जरूरी है मेरे लिए तो। पतले हो के जाऊंगे यहाँ से। वाह, कोई बेचारे लकी ब्लॉग देख रहा होगा ना, कहेगा पप्पू डोसा जाके तुम दोनों पतले नहीं होने वाले हो। पर नहीं नहीं यार, आप खाओ पियो, ऐसे फालतू की टेंशन मत लो आप, ठीक है? लेने वाला मैं से नहीं हूं। बस फिर बढ़िया। और क्या, खाओ। कॉफी ठीक थी? बहुत बढ़िया। चलो अब चलते हैं घर, मैं अपना ब्लॉग खत्म करती हूँ, आप रेस्ट कर लो, फिर अबीर को लेने जाएंगे, ठीक है? मैं वापस आ चुकी हूँ गाड़ी में, मैंने घर जाके अपना ब्लॉग भी एडिट कर लिया था क्योंकि मैं आ चुकी हूँ अबीर को लेने और आज मैं कॉलेज नहीं गई गाइस, मुझे कॉलेज मिस करना पड़ा एक्चुअली। मैं बहुत बहुत थकी हुई थी एंड आई वॉज नॉट फीलिंग क्वाइट राइट, क्योंकि ऑब्वियसली यार वहाँ जाकर ऐसा नहीं होता कि आपको बैठना है और बस बातें करनी हो, ये वो, वहाँ बहुत सारा प्रैक्टिकल काम होता है और मेरा कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन रहा था आज। तो मैंने कहा मैं आज ना छुट्टी ले लेती हूँ, नेक्स्ट वीक जाऊँगी क्योंकि सौरभ टाउन में ही होगा और मुझे बाकी सब चीज़ों की टेंशन नहीं होगी। हेयर इज मिस्टर बी सूरी, तो मैंने इसको उठा लिया स्कूल से। हाउ वाज स्कूल टुडे? गुड। और अभी मैं फ्रेंच टीचर से मिली हूँ, उसने मुझे एक साइट का नाम बताया, हम उस साइट पे जाएंगे और उस पर भी जाकर थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे फ्रेंच को लेकर। और थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, मुझे
कम से कम नहीं 4 से 5 लोगों के मैसेज आए हैं एंड अपेरेंटली दे आर फ्रेंच टीचर और दे नो फ्रेंच एंड दे वॉन्ट टू हेल्प अबीर आउट. मैं इस बारे में जरूर जरूर सोचूंगी. आज मुझे बस टाइम नहीं मिला आप लोगों को जवाब देने का, लेकिन अभी आप अगर मेरा ब्लॉग देख रहे हो तो नहीं नहीं यार, थैंक यू सो मच. आप लोगों ने ओ वेरी गुड, आप लोगों ने हेल्प ऑफर करी है कि आप लोग अबीर को हेल्प करना चाहते हो फ्रेंच के साथ. सो आई डेफिनेटली लुक इन टू दिस एंड आई विल कम बैक टू यू गाइज. सो थैंक यू सो मच. चले अब ग्रैंड माँ भी आई हुई है पीछे. एक ग्रैंड माँ को भाई ना तो इस बंदी को बंदी, सॉरी गाइज, सास को बंदी. गाइज इनको ठंड ही नहीं लग रही है, पता नहीं कौन सी मिट्टी की वजह से मुझे इतनी ठंड लग रही है. हाँ तुम तो चुप रहो, सुबह खांसी कर रहे थे तुम. हमने ना वो आज अदरक नहीं पीना, आज हमने मिस कर दी अपनी स्वीट दवाई, तो मुझे आज लगा कि एक मिनट के लिए मिस नहीं करनी चाहिए थी. नहीं मैं अभी घर चलते हैं, ठीक है, लेट्स गो होम. तरह तरह के पीसी बना दे, चलो मैं बच्ची. तो मैंने गाड़ी में पेट्रोल भरवाना था, वो भी भरवा लिया है. भाई नई गाड़ी आ जाएगी तो एक चीज की तो दिक्कत खत्म हो जाएगी, पेट्रोल भरवाने की, क्योंकि वो है फुली इलेक्ट्रिक कार. तो हम लोग घर वापस आ गए हैं और अभी को आज डिनर बनाने से पहले मैं दे रही हूँ एक ब्राउन ब्रेड. उसका मन कर रहा था टोस्ट खाने का. अपेरेंटली मैंने कल रात को उसके लिए एक टोस्ट बनाया था तो दूध के साथ, क्योंकि रात को मैं उसको दूध जरूर पिलाकर सुलाती हूँ और दूध के साथ कुछ ना कुछ जरूर देती हूँ, तो बिस्किट्स हो जाते हैं या फिर टोस्ट हो जाता है. तो अभी का जो मैं आजकल टोस्ट बनाती हूँ ना, मैं टोस्टर यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि टोस्टर में ना बहुत ज्यादा वो टाइट हो जाता है, लाइक इट्स टोस्ट, मतलब समझ जाओ टोस्ट ही बन जाता है एकदम टोस्ट, यू नो. तो हमें तो अच्छा लगता है लेकिन अबीर को बड़ी प्रॉब्लम होती है. तो और सेकंड थिंग, आजकल मैंने अबीर को ब्राउन ब्रेड देनी शुरू कर दी है, तो ब्राउन ब्रेड तो वैसे ही टोस्टर के अंदर इतनी टाइट हो जाती है, तो मैं ना उसका अक्सर उसकी ब्रेड को ना तवे पर ही कुक करती हूँ. तो कल मैंने क्या करा था, मैंने पहले बटर लगाया था ऐसे ही यू नो अनकुक्ड ब्रेड पे, और फिर मैंने उसको तवे पर यू नो वो टोस्ट कर लिया था. समझ जाओ आप जो मैं कहना चाहती हूँ. तो इसको बड़ा मजा आया खा के, और थोड़ा सा मैंने ऊपर से नमक स्प्रिंकल करा था. एंड ही सेड कि वन ऑफ द बेस्ट टोस्ट यू एवर मेड है. आई नो दैट. तुम्हारे बारे में बता रहे हो बेटा, झूठ नहीं बताते हम कुछ भी, ऐसे नहीं कि हमें ये है हमारा वो है. अरे मेरे हस्बैंड का फोन आ रहा है गाइस, आई एम वेरी सॉरी, एक्सक्यूज मी. ये लीजिए माता जी, पानी दी बोतल, एक कांच मेरे मोबाइल फोन. रात को पीते पानी? आपने सोचा होगा कि मैं इतना पानी पीऊंगी ही पीऊंगी. नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है. नहीं नहीं मैं पूछ रही हूँ, मैं पानी नहीं पीती, मैं समझना चाहती हूँ कि कैसे आप पानी पी लेते हो. कच्चा पानी? कच्चा पानी पका के पीऊँ? मैं बिल्कुल पानी नहीं पी सकती ऐसे. पानी नहीं पी सकती ना हम, पानी पी नहीं सकते. मैं नहीं, फिर मैं नींबू निचोड़ के पीती हूँ. आज मैंने नींबू निचोड़ा था तो मैंने पूरी बोतल नींबू नहीं छोड़ी. ये सुबह तक खत्म हो जाएगा पानी, मतलब कि मैं नींबू नहीं छोड़े बिना पानी नहीं पी सकती. सुबह तक खत्म हो जाएगा पानी, फिर बोतल भरेंगे हम, फिर खत्म करेंगे. मतलब बिल्कुल सौरभ की तरह बिल्कुल, वो भी ऐसे पानी पीता. पानी पीना चाहिए. नहीं और पीना चाहिए पानी, तो ये थोड़ा सा ना बैलेंस के लिए. आज मैं पढ़ भी रही थी, अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप अपनी डाइट में पानी बढ़ा दो. तो जहाँ आप खाने के साथ एक गिलास पानी पी रहे हो, अब 3 गिलास पानी पियो, और 3 रोटी खा रहे हो तो 1.5 रोटी खाओ. मतलब डाइट में जितना कंट्रोल कर लोगे वेट वैसे लूज हो जाएगा. एक बंदा है ना उसने करा ना देसी स्टाइल से 75 दिनों में वेट लूज. नहीं नहीं आपको नहीं बता रही वेट लूज का, वैसे मैं बता सबके लिए भी बता रही हूँ कि पानी से भी वेट लूज हो जाता है, ऐसी बात नहीं है. पानी पीने से बहुत फर्क पड़ता है. ये सुबह तक खत्म हो गया, ज्यादा है नहीं पानी. तो और लेके आऊं और डाल के? सुबह फिर बदलेंगे. हाँ मैंने दिल कर रहा मैं अभी सो जाऊँ आपके साथ ही. चलो गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स, सुबह मिलते हैं, ठीक है जी. नए ब्लॉग के साथ. नए ब्लॉग के साथ बोल दो सबको लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को. आप सब लोग देख रहे हो ब्लॉग, आप लाइक शेयर और सब, ये नहीं बोलना चाहता, सब्सक्राइब. और आप लोग वो लाल वाला बटन दबा दो, चैनल के मेंबर बन जाओ आप लोग, है ना. हाँ. फैमिली में आ जाओ हमारी यूट्यूब फैमिली में. सब्सक्राइब सब्सक्राइब छोड़ो, ये वर्ड ही नहीं यूज करते हम, बस फैमिली में आ जाओ, है ना, यूट्यूब फैमिली में. आप सब लोग देख रहे हो, उतना प्यार दे रहे हो, ये बहुत है हमारे लिए. लेकिन आप सब लोग लाइक करें, प्यार करें हमें,
और लाल बटन दबा दें। पता है गाइस, सीरियसली मैंने कैमरा एक मिनट के लिए बंद नहीं करा और मम्मी ने रीटेक मतलब कि ऐसे ही ले लिया इस सीन के अंदर। वाओ, आई एम वेरी इंप्रेस्ड बाय यू। थैंक यू, वेरी इंप्रेस्ड। गुड नाइट। और मैं आप लोगों को एक चीज दिखाती हूँ भाई, ये तो एक छोटा सा नमूना है क्योंकि मैंने सारे कपड़े संभाल दिए। नहीं, आई थिंक वहां पर भी है। जब से मम्मी आई है ना, हमारे घर की जितनी लॉन्ड्री का इश्यू था वो सब सॉल्व हो चुका है। प्लीज गाइज, मेरे फेस को इग्नोर कर देना, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे अपनी स्किन केयर भी करनी है। एनीवे, तो मैं ये कह रही थी, जब से मम्मी आई है ना, मुझे कपड़े धोने में सुखाने में कोई इशू नहीं है, मैं वो सब कर लूंगी। लेकिन मुझे कोई कह देना कि आपको कपड़े फोल्ड करने हैं, मैं नहीं कर सकती। एक ये काम है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और वो काम मेरे लिए अक्सर सौरभ करता है, वो भी बेचारा वीकेंड पे कर पाता है क्योंकि मंडे फ्राइडे उसका काम होता है। लेकिन जब से मम्मी आई है ना भाई, मतलब कि ये जो मैंने आपको नमूना इसलिए बोला कि घर में एक रुमाल तक भी ना हमारे घर में आपको अनफोल्ड नहीं मिलेगा। एंड आई एम सो ग्लैड टू हैव हर, शी इज अ ब्लेसिंग फॉर अस, एंड या वी लव हर। चलो फिर मिलते हैं कल आप सबको। बाय। मम्मी ने दे दिया आपको मैसेज, अब मैं आपको बार बार मैसेज नहीं दूंगी। बाय गाइज़।